675 मेरिट विद्यार्थियों को नियुक्ति की गारंटी लेना होगा, लेना होगा। चाहे जो समझिए, एक हम लोग ये क्रांति का रक्षा है, ये जो रक्षा के एसटीईटी मेरिट धारी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं गर्दनी बाग में। आज उन्होंने फिर से एक आंदोलन का आह्वान किया है। आज रक्षाबंधन है, अभ्यर्थियों के हाथ में देखिए राखी है, उनसे पूछते हैं आखिर क्या कारण है कि ये लोग राखी एक दूसरे को बांध रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि आप लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। देखिए आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और हम लोग राखी ये सूत बांध रहे हैं, रक्षा का सूत्र है, मेरिट की रक्षा का सूत्र है। अगर हम लोग पढ़ लिख करके मेरिट में आना जानते हैं, इतना क्षमता रखते हैं, तो हम जो मेरिट लिस्ट में आए हैं उसकी रक्षा भी करना जानते हैं और बिहार के बच्चों के भविष्य की रक्षा भी करना जानते हैं। आपने बिहार के स्कूल में कैसे कैसे शिक्षक को नियुक्त कर दिया है, वो तो सोनू ने राज खोल दिया ना, एक सोनू को तो आपने कोटा भेज दिया और उसके स्कूल में बहुत सारे सोनू हैं, बहुत सारे प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनकी क्या हालात होगा। नीति आयोग के रिपोर्ट में आप सबसे पीछे चल गए हैं, तो सरकार से गुजारिश अंदर में मना रहे हैं सरकार तेजस्वी ने कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। हाँ, सरकार ने वादा की थी, विपक्ष में उस समय सरकार था तो वादा हुआ था कि हम लोग आएंगे सत्ता में तो रोजगार देंगे 10 लाख। तो युवाओं की सरकार बनी है, पूरा भरोसा है कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा और जल्द से जल्द हम लोग की नियुक्ति होगी। आपने भी राखी बांधा, किस लिए राखी बांध रहे एक दूसरे? सर हम इसलिए राखी बांध रहे हैं ताकि देखिए रक्षा सूत्र होता है एक दूसरे की रक्षा करने के लिए। और मेरिट में हम सभी आए हुए हैं, हम सारी मेरिटधारियों की जो मेरिट है वो जो अस्मिता है मेरिट रूपी, उस अस्मिता का लाज आज सरकार जो है बिखेर रहा है। उस अस्मिता की लाज बचाने के लिए हम सभी मेरिटधारी एक दूसरे को बांध रहे हैं राखी, ताकि हम मिलजुल कर सरकार से लड़ सकें और सरकार से अपनी बातों को रक्षा रूपी मेरिट रूपी अपनी अस्मिता को बचा पाएं। देखिए अभी हम चितकोरा गोलंबर पे हैं, आपको चारों बगल दिखा देते हैं। अभ्यर्थी हैं एसटीईटी मेरिटधारी 2019 के अभ्यर्थी हैं, लगातार सभी एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। यह लोग आज जाने वाले हैं राजभवन, राजभवन जाने वाले हैं, वहाँ वह राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर बोला है कि हम लोग डिप्टी सीएम से भी मिलेंगे, उनसे भी बातें करेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम लगातार बातें कर रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उनकी सरकार भी आ गई, सत्ता भी आ गई और युवाओं की आंखें ललक के और उनके ओर देख रही है कि कितना जल्दी सरकार आए। और देखिए राखी बांधा जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा, देख सकते हैं एक दूसरे को राखी बांधा जा रहा है एसटीईटी अभ्यर्थियों के द्वारा। आज रक्षाबंधन है, एक दूसरे से जो समझिए एक हम लोग ये क्रांति का रक्षा है। देख सकते हैं एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी अपने चित्रकोरा गोलंबर से निकल चुके हैं, चित्रकोरा गोलंबर से होते हुए राजभवन की ओर जाएंगे। एसटीईटी लगातार अपनी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2019 से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लगातार सरकार के पास जाते हैं और लगातार वार्ता करते हैं, मगर कहीं न कहीं इनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। मगर नया सरकार आया है, सरकार बदला है, देखते हैं अभ्यर्थियों का क्या कुछ होता है। लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे रहते हैं। आज इनके हाथों में देख सकते हैं तिरंगा झंडा है और लगातार यह लोग अपनी मांगों को लेकर आए दिन आंदोलन करते रहते हैं और सड़कों की खाक छानते हैं। देख सकते हैं अभ्यर्थी राजभवन मार्च ST-18-19 मेरिट महा आंदोलन 12 अगस्त स्थान चित्तौड़ा गोलंबर से 100% ST-18 अंक पर बहाली की मांग कर रहे हैं। लगातार यह अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं, पुलिस तंत्र के द्वारा लगातार इन्हें हटाया जाता है, भगाया जाता है, कभी आश्वासन दिया जाता है, मगर अभ्यर्थियों की कोई नहीं सुन रहा है, जिसके कारण लगातार यह अभ्यर्थी आए दिन सड़कों पर आंदोलन करते हैं। देख सकते हैं अभ्यर्थी किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं।